नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अटेंडेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। 1 महीने की अटेंडेंस शीट कंपनी में कैसे बनाते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अटेंडेंस शीट अप्रैल 2024 की बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इम्प्लॉय आईडी है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्लॉय आईडी इम्प्लॉय का, और यहाँ पे जो इम्प्लॉय काम करते हैं हमारी कंपनी में उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद देखोगे यहाँ पे इनका पोस्ट लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन, जैसे राम अकाउंटेंट है, श्याम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, रोहित हेल्पर है, ऐसे देखो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं किसका क्या डिपार्टमेंट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2024, और जो प्रेजेंट है आज के दिन 1 अप्रैल को, मैंने उसके लिए पी यूज किया है, और जो अब्सेंट है उसके लिए मैंने ए यूज किया है, और जो लीव पे है देखिए उसके लिए मैंने एल यूज किया है। तो 1 अप्रैल को देखिए ये शुरू के 3 इंप्लॉई प्रेजेंट है, 1 अब्सेंट है, और फिर 1 लीव पे है, और बाकी सारे प्रेजेंट है। 2 तारीख को देखिए दोस्तों, ऊपर के दोनों एम्प्लॉई अब्सेंट है तो मैंने ए यूज किया है, और बाकी सारे प्रेजेंट है तो मैंने पी यूज किया है। तो अब्सेंट के लिए मैंने ए यूज किया अपने सीट में, और प्रेजेंट के लिए मैंने पी यूज किया है, और लीव के लिए मैंने एल यूज किया है। तो देखिए मैंने पूरा 30 दिन का यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों। देखिए ये मैंने पूरा 30 अप्रैल तक यहाँ पे सबका प्रेजेंट लगा रखा है, कौन किस दिन प्रेजेंट है। अब मुझे देखना है पूरे 30 दिन में राम कितने दिन प्रेजेंट है, या राम कितने दिन अब्सेंट है, या राम कितने दिन लीव पे है। तो एक तरीका ये कि आप पी गिनो ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो टाइम को बचाने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, काउंट इफ का। तो काउंट इफ की मदद से आप अटेंडेंस शीट चुटकियों में बना सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं अटेंडेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहां पे हमें प्रेजेंट काउंट करना है, तो प्रेजेंट काउंट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ, तो यहां लिखेंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और देखिए यहां पे बोल रहा है, इसको बोलते हैं सिंटेक्स। तो यहां बोल रहा है रेंज, तो रेंज को सिलेक्ट करना आपको, हम 30 तारीख से लेकर पूरा 1 तारीख तक सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए दोस्तों मैंने 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक सीट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब कॉमा लगाएंगे, और फिर डबल कोट में हमें क्या सर्च करना है दोस्तों, पी सर्च करना है, तो यहां पे पी लिखेंगे और डबल कोट लगाएंगे, और फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। और देखिए दोस्तों फॉर्मूला हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो फॉर्मूला देखिए यहां पे ऊपर लिखा हुआ है, देखिए इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला क्या लगा हमने, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और हमने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अटेंडेंस को हमने सिलेक्ट किया है, और फिर कॉमा डबल कोट में पी, और फिर डबल कोट ब्रैकेट बंद, और जैसे मैं एंटर करूंगा देखिए दोस्तों यहां पे प्रेजेंट काउंट हो गया, ये 15 दिन प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है, राम। और इसमें एक गड़बड़ी है दोस्तों, अगर मैं इधर कर रहा हूं तो ये जो प्रेजेंट में देख पा रहा हूं 15 दिन राम है, पर यहां पे नाम दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम चाहते हैं नाम हमें दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करोगे आप, यहां पे नाम देखना आपको, तो यहां पे दिख रहा है आपको 1 तारीख 1 अप्रैल 2024, यहां पे आपको क्लिक करना है, ये आपका टाइटल हो गया 3 नंबर, और 4 नंबर आपको क्लिक करना है यहां पर, ठीक है दोस्तों। और फिर आपको जाना है व्यू टैब में, और यहां पे कर देना फ्रिज पेन। फ्रिज पेन करने से क्या होगा, ये जो टाइटल है ऊपर वाला टाइटल 3 नंबर, और ये तीनों कॉलम ये वाले ये फ्रिज हो जाएंगे, मैंने यहां पे क्लिक किया था, तो इसके लेफ्ट का सारा फ्रिज हो जाएगा और इसके ऊपर का सारा फ्रिज हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, अब देखिए मैं इधर जाऊंगा तो हमें दिखता रहेगा, ये देखिए जो 15 दिन प्रेजेंट है ये कौन है, राम है। अगर मैं इसको हटा दूंगा फ्रिज पेन को, तो देखिए दोस्तों अब मैं इधर जाऊंगा तो दिखाई नहीं देगा ये जो प्रेजेंट 15 दिन है ये कौन है, तो मुझे बार बार सीट को ऐसे करना पड़ेगा मूव। तो इसके लिए क्या करोगे आप, यहां पे क्लिक करोगे, अगर आपको फ्रीज करना है ये वाला टाइटल भी फ्रीज करना है, तो क्लिक करोगे आप 4 नंबर रो में, तो सही जगह कौन सी, ये वाली, और हम जाएंगे व्यू टैब में और यहां से कर देंगे फ्रीज पेन। तो आप देखिए दोस्तों हम इधर जाएंगे तो हमें दिखता रहेगा ये जो हम जो भी डिटेल हम देख रहे हैं, ये राम का है, श्याम का है, रोहित का है, मोहित का है, किसका डिटेल हम देख रहे हैं, सब हमें दिखता रहेगा। अब हमें निकालना है अब्सेंट कि राम कितना दिन अब्सेंट है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और रेंज हम क्या करेंगे, ये 30 तारीख से लेकर पूरा 1 तारीख तक हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। अभी मैं सिलेक्शन के लिए एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शिफ्ट का बटन दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर देखिए जो आपको फॉर्मूला देखना है वो आपको यहां पर दिखाई देगा, काउंट इफ दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो यहां पर लगाएंगे कॉमा, और फिर डबल कोट में पहले हमने प्रेजेंट के लिए पी लिखा था, अब्सेंट के लिए अब बस ए लिख देंगे, और डबल कोट ब्रैकेट बंद, और जैसे मैं एंटर करूंगा देखिए दोस्तों यहां पे अब्सेंट काउंट होके आ जाएगा, 10 दिन अब्सेंट है राम।
अब लीप काउंट करना है दोस्तों, यहां पे क्लिक करेंगे और इक्वल टू काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज में एरो से पहले आ जाएंगे यहां पर 30 तारीख पे, और शिफ्ट का बटन दबाएंगे और दबाए दबाए इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे 1 तारीख तक यहां तक, और कोमा लगाएंगे डबल कोट में। इस बार हम एल लिखेंगे क्योंकि हमें लीप सर्च करना है, तो यहां पे एल लिखेंगे फिर डबल कोट ब्रैकेट वन, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए दोस्तों यहां पे लीप भी काउंट होके आ गया है। तो राम जो है 15 दिन प्रेजेंट है, 10 दिन अब्सेंट पे है और 5 दिन ये लीव पे है, टोटल ये 30 दिन हो गया। अब इसको पकड़ के इस तरह से इसको हम ड्रैग कर देंगे तो सभी का देखिए दोस्तों अपने आप अटेंडेंस काउंट हो जाएगा। तो देखिए सभी का अटेंडेंस यहाँ पे काउंट हो चुका है। प्रेजेंट राम देखिए 15 दिन है, श्याम 25 दिन प्रेजेंट है, रोहित 20 दिन प्रेजेंट है, मोहित 20 दिन प्रेजेंट है, और कौन कितना अब्सेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 0 अब्सेंट है। कौन है ये? सुमित, ये देखिए एक भी अब्सेंट नहीं है। उसके नीचे वाला एम्प्लॉय अमित मैनेजर, ये भी देखिए एक भी दिन अब्सेंट नहीं है, और इसका देखिए 0 आ रहा है, ये एक भी दिन लीव पे नहीं है मोहित। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ये प्रेजेंट अब्सेंट और लीव काउंट कर सकते हो सभी एम्प्लॉय का 30 दिन का। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि हम बेसिक सैलरी शीट कैसे बनाते हैं कंपनी की, जैसे अटेंडेंस निकालना, सैलरी बनाना, एचआर निकालना, डीए, कन्वेंस, ग्रोथ सैलरी, पीएफ, एसआई, इन हैंड सैलरी, ये सारी चीजें क्या होती है दोस्तों, इंप्लॉय की सैलरी शीट कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने सीखा अटेंडेंस शीट हम कैसे बना सकते हैं किसी भी इंप्लॉय की। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।